हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक और हेल्दी रेसिपी, जिसे कि मैंने सूजी से और आलू से बनाया है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। कॉफ़ी टेस्टी लगती है खाने में और आप लोग देख सकते हैं ये अंदर से कितनी अच्छी जालीदार बनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी, और ये रेसिपी काफ़ी नई है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें लाई के दाने डाल देंगे, और अगर आपके पास लाई नहीं है तो फिर आप जीरा भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद देखिए ये लहसुन है, हाफ टेबल स्पून के करीब मैं लहसुन को इसमें भून लूँगी। और फिर हम इसमें दो कटोरी पानी डाल देंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना आपका सूजी है उसका दो गुना आपने पानी लेना है। मींस मैं इसमें एक कटोरी सूजी ले रही हूँ तो दो कटोरी मैं इसमें पानी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दी हैं और बहुत सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया से क्या होगा कि अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, और जो हमने लहसुन डाला उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो ये देखिए एक कटोरी सूजी है, मैं थोड़ा थोड़ा इसको इसमें डाल दूंगी और इस तरह से एक हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम एक साथ नहीं डालेंगे, उससे फिर लंग्स पड़ जाएंगे। और आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में ये सूजी पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि जो सूजी है बहुत ज़्यादा पानी पीती है। तो देखना आप 2 मिनट के बाद ये जो है काफ़ी पानी पी चुकी होगी। आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट के बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसके बाद हम 2 मिनट तक इसको और चला देंगे, जब तक कि ये पैन को ना छोड़ने लगे तब तक हम इसको चला लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद इसने पैन पूरा का पूरा छोड़ दिया है, और अब हम इसको इस तरह से इसका गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए अभी ये ठंडा हो चुकी है, अच्छे से मैंने इसको ठंडा कर लिया है। तो मैंने कुछ उबले हुए आलू लिए थे और इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें इसकी बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून मैदा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी जो बाइंडिंग है ना बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद हम इन चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से मसल लेंगे। तो देखिए ये हाथ में बहुत चिपक जाता है, तो हम 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल ले लेंगे हाथ में और इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। तो आपके हाथ में जितना भी सूजी का बैटर लगा हुआ है वो आसानी से निकल जाएगा और ये डो का फॉर्म भी ले लेगा। ये देखिए इसी तरह से मलते हुए आप लोग देख सकते हैं कि इसने आसानी से प्लेट को भी छोड़ दिया है, और हमारे हाथों में जो एक्स्ट्रा लगा था वो भी छूट चुका है। तो अब हम इसके शेप की हमारा जो डो था वो बन चुका है, तो अब हम इसके शेप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉल जैसा ले लिया देखिए, और इस तरह से दोनों हाथों से हम इसको लंबाई में खींच लेंगे। क्योंकि ये सूजी है तो काफ़ी सॉफ्ट है, आप आराम से इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको लंबाई में इस तरह से कर लिया है। अब मैं बराबर पोर्शन में इसको कट लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से नाइफ से मैं इसको आराम से इस तरह से सारे के सारे पीसेस में कट लगा दूँगी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। आप लोग चाहें तो लंबा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से शेप दे दूंगी, देखिए छोटा छोटा सा दोनों उंगलियों में लेके इसको हल्का सा दबा दूंगी। ये देखिए तो जो हमारा पहला स्नैक्स था वो बन गया है। इसी तरह से मैं सारे के सारे बना लूँगी। ये देखिए बहुत ईजी है इसका शेप, आप लोग चाहें तो इसको और लंबा रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे के सारे शेप इनको दे दूँगी। तो देखिए मैंने कुछ शेप इसको दे दिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये मीडियम हॉट है। आपको तेज़ गर्म नहीं करना है, उससे फिर आपके ये जल जाएंगे। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 इसको डाल दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, उससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से कमेंट करिए। तो इस तरह से मैं इसको हिला दूंगी इस तरह से देखिए, और हमें इसमें स्पून से नहीं छेड़ना है क्योंकि ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, और जब तक ये फ्राई होगा तो ये अपने आप ही ऊपर में तैरने लगते हैं।
तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ही अपने आप ही ऊपर में तैरने लगे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से सीख चुके हैं एक साइड से। तो हम इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे, करीबन 3 से 4 मिनट आप इसको हाई फ्लेम में सेक लीजिए। डालने के बाद आप इसको हाई फ्लेम में सेक लीजिए, 3 से 4 मिनट में आपके सिक्के रेडी हो जाएंगे। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आ गया है और ये सिक भी चुकी हैं अच्छे से। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी बना, कितना हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और जब कोई मेहमान आए तो आप लोग फटाफट से इसको बना सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मिलता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी को बाय बाय।